मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव आज हेलीकॉप्टर से खरगोन जिले के सनावत पहुंचे, जहां सनावत हेलीपैड से उतरने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और अरुण यादव सड़क मार्ग से होते हुए सीधे खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले मोरटक्का पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी और रूट का निरीक्षण किया। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर यात्रा के प्रभारी रवि जोशी, पूर्व मंत्री सचिन यादव, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो सहित कांग्रेस के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खरगोन जिले के सनावत में आगामी 25 नवंबर को पहुंचेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में भारी जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा को लेकर भाजपा के नेता परेशान हैं। राहुल गांधी की यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से उठ रही है, आपने कई गंभीर आरोप भी लगाए, भाजपा को ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, कैसा कमलनाथ जी? वास्तव में पूरे देश में पूरे बातन बदरा हुआ है। जनता भारतीय जनता पार्टी को खाना चाहती है। राहुल जी देश के नेता हैं, आज उनके हजारों लाखों की तादाद में जहाँ जा रहे हैं, जनता का सैलाब बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि राहुल जी की यात्रा असफल करने के लिए वे कहीं ना कहीं कोई योजना बना रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और पूरा प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कमी न रहे। केवल एक ही निशाना लगा रखा भाजपा नेताओं ने बार बार, भाजपा नेता एक ही बात कर रहे हैं आजकल। देश की यात्रा है, आज जो परिस्थितियां देश में हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि राहुल जी 3,700 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे और ये उनका रूट है। मैं इस रूट की इंस्पेक्शन करने आया हूँ। सर, ये भाजपा जो है रोज निशाने साध रही है, आजकल एक ही मुद्दा रह गया उनके भाजपा के पेट में दर्द होता है अगर हम कुछ करते हैं। उनको क्यों परेशानी अगर हमारी भारत जोड़ो यात्रा, उनको किस बात की परेशानी? भाजपा का हर नेता सवाल उठा रहा है यात्रा को। अब उनके पास बचा क्या? भाजपा के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। मध्य प्रदेश में यात्रा का प्रवेश करेगा तो किस प्रकार से यहाँ पर स्वागत? बहुत अच्छा स्वागत होगा। बुरहानपुर के से 20 किलोमीटर पहले जब एंट्री होगी उनकी, वहाँ बहुत अच्छा स्वागत होगा। बहुत उत्साह है, पूछिए सबसे, उत्साह है पूछिए इनसे। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सेरा को प्रभारी बना दिया गया है। हाँ बिल्कुल बना दिया गया है, क्योंकि अरुण यादव जी ने यही प्रस्तावित किया था। वो अगर वहाँ के विधायक हैं, उनके भाई सांसद रहे, हाँ दोनों भाई सांसद रहे, तो वो कांग्रेस के हैं। अगर आज रिकॉर्ड में निर्दलीय हैं तो रिकॉर्ड में निर्दलीय हैं, पर उनके दिल, दिमाग और आत्मा कांग्रेस के साथ है। पर अरुण यादव को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग कि अरुण यादव, अरुण यादव तो मेरे साथ आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।